हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 5 का प्रॉब्लम सेट 39 को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें राइट हाउ मेनी रुपीज़ एंड हाउ मेनी पैसे। तो यहाँ पे ये रुपीज़ दिए हैं, रुपीज़ 58.43। तो ये आपको क्या लगता है, इस 58.43 में कौन से रुपीज़ एंड कौन से पैसे हो सकते हैं? तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड के जो नंबर होते हैं वो होते हैं रुपीज़, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के जो नंबर है वो होते हैं पैसे। सो यहाँ पे हमें रुपीज़ एंड पैसे के फॉर्म में लिखना है। सो रुपीज़ यहाँ पे 58 है एंड पैसे कितने हैं, पैसे है 43। इसमें क्या है, रुपीज़ 9 है और पैसे 30। ओके, इसमें क्या है, रुपीज़ 2 और पैसे कितने हैं 30। ओके, यहाँ पे रुपीज़ 2 एंड पैसे 3 पैसे है। ओके, तो यहाँ पे 03 लिखा है मैंने, आपने डायरेक्ट 3 लिखा तो भी चलेगा। ओके, राइट हाउ मेनी रुपीज़ इन डेसिमल फॉर्म। ये रुपीज़ दिए हैं, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सो यहाँ पे जो रुपीज़ है वो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में आएंगे और जो पैसे है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में आएंगे। सो इन रुपीज़ एंड डेसिमल, रुपीज़ के जो नंबर है उसके एंड पैसे के जो नंबर में, उन दोनों के बीच में क्या देना, हमें डेसिमल पॉइंट देना है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, 6.25 रुपीज़। यहाँ पे क्या है, 15.70 रुपीज़। यहाँ पे 8.5 रुपीज़। यहाँ पे 22.4 रुपीज़, 0.4 रुपीज़, सॉरी हाँ 22.04 रुपीज़। यहाँ पे 720 पैसे है। सो आपको पता है 100 के 1 रुपया होता है, सो 700 के 7 रुपीज़ होंगे। सो 7 रुपीज़ कहाँ पे आएंगे, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में, और पैसे कहाँ आएंगे, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में। ओके, हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर। इसमें मीटर कितने हैं, सेंटीमीटर कितने हैं, हमें राइट करने हैं। सो आपको पता है डेसिमल पॉइंट का राइट साइड का नंबर होता है मीटर और डेसिमल पॉइंट का लेफ्ट साइड का नंबर होता है सेंटीमीटर। यहाँ पे 58 मीटर एंड 75 क्या है, सेंटीमीटर। 58 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, 9 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, 0 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, 0 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट राइट 4 नंबर क्वेश्चन है, राइट हाउ मेनी मीटर इन डेसिमल फॉर्म। कितने मीटर है वो डेसिमल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों दिए हैं। सो मीटर के बाद हम डेसिमल पॉइंट देंगे, उसके बाद में सेंटीमीटर का नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.5 मीटर। यहाँ पे क्या है, 50.40 मीटर। यहाँ पे क्या है, 50.4 मीटर। यहाँ पे 7.34 मीटर। यहाँ पे क्या है, 0.10 मीटर। यहाँ पे क्या है, 0.02 मीटर आएगा। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर एंड हाउ मेनी मिलीमीटर। सो यहाँ पे सेंटीमीटर कितने हैं, मिलीमीटर कितने हैं, वो हमें लिखने हैं। सो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का लेफ्ट साइड का जो नंबर होता है वो होता है सेंटीमीटर में, और डेसिमल पॉइंट का राइट साइड का नंबर होता है मिलीमीटर में। सो यहाँ पे देखो, ये 1 और 2 एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, वो वैसे ही है, 6 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर, मिलीमीटर। यहाँ पे क्या है, 20 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.8 है तो 0 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर इन डेसिमल फॉर्म। कितने सेंटीमीटर है हमें डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं। सो ये कितने सेंटीमीटर आ जाएंगे, 7.1 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 1.6 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर आएगा, 14.4 सेंटीमीटर। ये 0.8, सॉरी यहाँ पे 0 था पहले, 0.8 सेंटीमीटर आएगा। ओके, I hope all of you got this one. If you like video, subscribe my channel. Okay, bye. We will meet in next lecture.